वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिन जान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों आज का टॉपिक ऐसा है कि जैसे अभी हमने रात में ऑनलाइन में आपको बताया था नाइट कबूतरबाजी या फुल टाइम कबूतरबाजी या अनलिमिटेड टाइम की कबूतरबाजी, तो उसमें जो उस्ताद लोग हैं या बड़े खिलाड़ी हैं तो वो हर बात को फॉलो करते हैं, हर बात को समझते हैं कि हमारा नुकसान कहाँ हो सकता है, तो वो पहले से ही सारी तैयारियाँ करके चलते हैं। मगर जिन्हें नया नया कीड़ा उठता है, नया नया शौक करते हैं उड़ाने का, नए नए टूर्नामेंट जीतते हैं, अगर वे अचानक से ओपन टाइम अनलिमिटेड टाइम में अगर वो कबूतर उड़ाते हैं तो खाली उन्हें इतना पता होता है, लाइट लगा लो, रात को मरकरी लाइटें लगा लो, है ना, इतना पता होता है। मगर उसके नुकसान क्या उनको नहीं पता, हकीकत में नहीं पता उन्हें। जीतते जीतते बाजी हार जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने ऐसा क्या करना है कि अगर आप फुल टाइम कबूतरबाजी कर रहे हो या नाइट कबूतरबाजी उड़ा रहे हो तो इसमें क्या होता है। दोस्तों देखो, एक तो बड़े उस्ताद लोग, आपने YouTube पर वीडियो देखी होगी कि उन्होंने पूरा सेटअप, अगर छत के चार कोने, चारों कोनों पर उन्होंने 10 से 15 फुट के पाइप लगाए होते हैं और उसमें उन्होंने मरकरी लाइटें या स्ट्रीट लाइट जैसे भी है यार, बड़ी लाइटें उन्होंने लगाई होती हैं, ट्यूब लाइटें मान लो जैसे भी है, ठीक है, चारों तरफ लगा लेते हैं या उससे भी ज़्यादा वो लगा लेते हैं जिससे कि पूरी छत पे छाना रहता है। तो वे कबूतरों को लाइटों में भी ट्रेनिंग देते हैं, शाम को खोलना, शाम को उड़ाना या उससे पहले उड़ाना, लाइट में उतारना, वो ट्रेनिंग देते हैं तो कबूतरों को आदत पड़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो बिल्कुल ही अनजान होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता हमने करना क्या है, खाली वो लाइटें लगा लेते हैं, उड़ा लो भाई शाम तक उड़ाएंगे, ठीक है, बाजी जीतेंगे हम, शाम तक उड़ते हैं हमारे, हम तो जीत जाएंगे भाई, अगर हम नुकसान देंगे ये शाम को नहीं, रात को 10 11 12 बजे बैठेंगे। तो बहुत से कबूतर ऐसे होते हैं दोस्तों जो छत के पक्के होते हैं, आप कैसी भी लाइट लगा लो वो छत पे उतर जाते हैं। मगर कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो कहते नहीं कि हम अगर कबूतर की तैयारी कर रहे हैं, कबूतर को हम सादा खेल पानी पे उड़ा रहे हैं और अचानक से किसी से हम ले आए गोल जो देते हैं नुकसान वगैरह ले आए वो, ठीक है, और अचानक से हमने वो चीज़ नुकसान हमने कबूतर को लगा दिया तो कबूतर या तो गया या टाइम से पहले बैठ गया, ऐसा हो जाता है ना। तो वो यही हमारी कमी होती कि हम एकदम से गैस नहीं कर पाते कि हम क्या गलती कर रहे हैं और हमने करना क्या है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जिन्होंने तो आदत डलवा दी कबूतरों को लाइट में बैठने की, लाइट में खोलने की सारी, तो वो उन्हें पता होता है इधर भी लाइट आंख में लग रही है, इधर से भी लाइट लग रही है आंख में, इधर भी लाइट लगी हुई है और वो उठ रहे हैं, पटपट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो ट्रेंड होए हुए हैं वो लाइट के हिसाब से। अब जो बंदे अचानक से पहली बार पूरी छत पे लाइटिंग लगा देते हैं, कबूतर को शाम की उतरने की आदत है मगर आपके खेल पानी से वो शाम खींच गए, अंधेरा होने को आ गया, तो उसमें कबूतर एक तो सबसे बड़ा ओपरा करेगा अंधेरे का, छत पर बैठने का, ठीक है ना, आपने लाइट लगा रखी वो आप उसने आपकी छत पकड़ी हुई है, छत पे गोल फिर रहा है, बिल्कुल गोल कहीं नहीं जा रहा, छत पे यह गोल उड़ रहा है, आपको लाइटों में दिख रहा है, सबको दिख रहा है कबूतर यहीं फिर रहा, सब बैठे हैं, रात के 8 बज गए, 9 बज के, 10 बज गए या 11 बज गए, सब देख रहे हैं कि ये कबूतर आ रहा है बैठने वाला है, ठीक है ना। मगर वो आप कहाँ गलती ऐसी कर जाओगे जिससे कि आपके कबूतर को नुकसान हो जाएगा। दोस्तों लाइटिंग लगाने का हिसाब ऐसा होता है कि कबूतर अगर टाइम मार के आ रहा है, ठीक है, एक तो वो अंधेरे का ऊपर करेगा, छत पे बैठने की कोशिश करेगा कि हाँ मेरी छत यही है, आपने ट्रेनिंग नहीं दी उसको अंधेरे में बैठने की या अंधेरे में कबूतर खोलने की, अंधेरे में दाना डालने की, छत पे खोलने की, ऐसा कुछ नहीं कर रखा था, अचानक से सीधा टूर्नामेंट भर दिया और रात में उतार रहे हो आप, तो कबूतर एक तो अंधेरे का ऊपर करेगा, दूसरी बात आपने जो छत पर लाइटिंग लगाई हुई है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने इस कोने पर लगाया तो आप इधर से ये कोने से ये लाइट नीचे को जलेगी, आपने ऐसे कर दी है ना, लाइट ऐसे है ना, नीचे को रोशनी पड़नी चाहिए, आपने ऐसे कर दी कि वहां तक रोशनी जाने दो, या ऐसे कर दी वहां तक रोशनी जाने दो, उधर की लाइट ऐसे होनी चाहिए थी ना, आपने ऐसे कर दी, यहां तक रोशनी इधर को जाने दो, सामने वाली लाइट, ठीक है, ऐसे होनी चाहिए थी, आपने इधर को कर दी, इधर को आने दो रोशनी, ठीक है, अब मेरी बैक साइड आपने वहां लगा दी, ऐसे लगनी चाहिए थी, आपने ऐसे कर दी, जाने दो उधर रोशनी, मतलब चारों तरफ से घर को ऐसे घेरना है ना, लाइटिंग होगी पूरी छत पे, आपने दिन निकाल दिया, दिन लोग बाग कबूतरबाज आपकी छत की तारीफ कर रहे हो, क्या छत चमका दी भाई साहब, दिन निकाल दिया आपने तो छत पे,
मगर आप एक बात भूल गए कि आप पहली बार ये काम कर रहे हो। हर चीज़ नोट किया करो, आप क्या कर रहे हो, कहाँ गलती होने वाली, उस गलती को हम कैसे सुधारें, कि आप ये पहली बार ये ऐसा काम कर रहे हो और आपको नहीं पता ये गलती आपको कितनी भारी पड़ने वाली है, आपके सारा दिन उड़े हुए कबूतर की मेहनत ज़ाया होने वाली है, पूरी मेहनत आपकी, पूरा दिन छत पे लगे रहे और रात को आप समझ नहीं पाए हम कि हमसे क्या गलती हुई, जीते जीते बाजी हार गए आप, ठीक है ना। पूरे महीने आपने जितने बादाम खुलाए, जितनी उस पर खुराकें लगाई, जितनी आपने धूप में बैठ बैठ के अपना शरीर काला कर लिया, एक छोटी सी गलती से आपने मुंह भी काला कर लिया कि हार गए, तो ऐसे में क्या गलती की आपने, ठीक है ना। ये ऑल इंडिया में जितने भी हमारे ये नाइट टूर्नामेंट करते हैं तो ये तकरीबन हम देखते हैं कि क्या गलती कर रहे हो, और हमने बताया भी कई जगह पे वो सक्सेस हुए कि हाँ इमरान भाई वाकई में हमने ऐसा किया और आपके कबूतर सीधे छत पे उतरे, कोई ओपना नहीं किया, ठीक है ना। मगर इस पे हमने अब तक कभी कोई वीडियो नहीं डाली, मगर अब डालनी पड़ रही है क्योंकि हमने देख लिया है कई जगह देखा हमने कि गलती कर रहे हैं यार, और एक गलती से दोस्तों, एक गलती से पूरे दिन की, पूरे महीने की सारी मेहनत खराब, एक छोटी सी गलती की वजह से। हम नहीं चाहते आपकी मेहनत खराब हो, आपका दिल टूटे, आप जीतते जीते बाजी हार जाओ, हम नहीं चाहते, ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या करना है दोस्तों, पहले बात समझिए फिर बताता हूँ क्या करना है, कि हुआ होता क्या है, पहले मैं वो बताता हूँ जो बाजी हार जाते हो। कबूतर रात को 10 बजे या 11 बजे आ रहा आपकी छत पे, उसको लाइट की आदत नहीं उतरने की, लाइट में उतरने की आदत नहीं है, फिर भी वो छत को फोकस कर रहा है कि यही छत है, मैंने यही आना है, छत पे आ गया, बिल्कुल बैठने वाला है, छत पे घूम रहा है, बिल्कुल दीवार से लगा लगा घूम रहा है, और आप सब सोच रहे हैं बस आज तो फर्स्ट इनाम अपना है, फर्स्ट बाजी हमारी है, हम तो जीत जाएंगे, मगर वो छत के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, मगर आप ये कह रहे हो कि यार ये बैठता बैठता निकल के जा रहा है, आप ये नहीं समझ रहे कि वो बैठ क्यों नहीं रहा है, वो आ रहा है दीवार पर से होके आया ऐसे, फिर सीधा आगे निकल गया, सीधे तेजी पकड़ ली उसने, लंबा चला गया, लंबा चक्कर लेके आएगा, ध्यान देना, वो जब आपकी छत पे से होकर आएगा ना दीवार पे बैठने को रहेगा, वो लंबा चक्कर लेके आएगा ऐसे फिर दोबारा से, ठीक है, फिर वो दूसरी साइड से बैठने की कोशिश करेगा, वहाँ से भी निकल के चला जाएगा, तीसरी साइड से कोशिश करेगा बैठने की, उधर से भी निकल के चला जाएगा, वो चारों तरफ से कोशिश करेगा कि मैं किस तरह बैठूँ, मगर वो बैठ नहीं पाएगा। पता क्यों? क्योंकि कबूतर आपका लाइट में ट्रेंड नहीं था, उसे कबूतर कह रहा हूँ सॉरी लाइटिंग की, रोशनी की आदत नहीं थी उसकी आंखों को, ठीक है, और आपने लाइटें ऐसे लगा रखी थी कि चारों तरफ से आंखों में पड़े। अब कबूतर जो रात को अचानक से छत पे आ रहा है, तो एक तो वो ये देख रहा है कि छत पे कबूतर नहीं है, जो कबूतर पटपट भी कर रहे हैं या ठप ठप कर रहे हैं, अगर उन्हें देखे तो बैठ जाए वो, ठीक है। तो ये आदत हमें पहले डलवानी पड़ती है, बाजी से पहले, टूर्नामेंट से पहले हमें रात को कबूतर को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बिठाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, मगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया कि अंधेरे में वो इस तरह लाइटिंग में बैठ जाए, कुछ नहीं किया। अब वो दो चीज़ों से डर रहा है, सॉरी दो कह रहा हूँ, अगर ध्यान से देखें तो तीन बातों से डरेगा, एक अंधेरा कि आज मैं अंधेरे में उठ रहा हूँ, छत पे चढ़ना है, ठीक है, नंबर दो छत पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा, मैं ही अकेला क्यों, नंबर तीन आँखों में रोशनी पड़ रही है दोस्तों, वो जो आ रहा है छत पे से चारों तरफ से बैठने की कोशिश कर रहा है, वो जो लाइटिंग ऐसे की ना आपने, उसकी आंखों में चोंद पड़ रही है, वो डर रहा है कि एक तो छत पे कोई नज़र नहीं आ रहा, आंखों में रोशनी पड़ रही है, और वो कट कट के निकल रहा है, और आप कह रहे हो यार ये बैठता बैठता निकल रहा है, लगता है नुस्खा तेज लगा दिया है, नुस्खा तेज लगा दिया, बैठ नहीं रहा है, पैर नहीं खुल रहे इसके, आप गलत फहमी में हो, आपकी लाइटिंग का सिस्टम खराब है, समझे, लाइटिंग का सिस्टम आपका खराब है, आपको लाइटिंग सिस्टम जो है ऐसा रखना है दोस्तों कि आंखों में रोशनी ना पड़े, या तो बिल्कुल ऐसे नीचे, बिल्कुल छत चमकनी चाहिए ऐसे नीचे, ठीक है, अगर हल्के सी भी ऐसे वैसे है तो आप उसके लाइट के चारों तरफ तीन तीन इंच या चार चार इंच का गत्ता ऐसे लगा लें, ऊपर से गत्ता रख के ना चारों तरफ से कटिंग करके उसको ऐसे फोल्ड कर दें, ऐसे ऐसे तिरछा, ऐसे ये लाइट है ना उसमें ऐसे गत्ता लगा दें चारों तरफ से कि रोशनी ऐसे पड़े, ये नहीं ऐसे तो सब में ऐसे पूरा जाए, नहीं ऐसे गत्ता लगाएं कि रोशनी नीचे पड़े और लाइट नज़र ना आए, आंखों में ना पड़े, खाली छत नज़र आनी चाहिए, कबूतर आपका छत पे आएगा, समझ रहे हो, वो डर रहा था कि मैं तो छत पे बैठ रहा हूँ मगर आंखों में जो चोंद पड़ रही है तो उसको छत को नहीं दिखती। जैसे अचानक से अगर आप किसी सड़क पर जा रहे हो, ध्यान देना, आप किसी सड़क पर जा रहे हो और आपने इधर गली मुड़नी है, रास्ता मुड़ना है, ठीक है, और अचानक से आगे से एक ट्रक आ रहा है, ट्रक या कार आ रही है, उसकी रोशनी इतनी तेज है कि आंखों में आपके चौंध पड़ेगी, आप एकदम से गली नहीं मुड़ोगे, आंखों में आपके चौंध पड़ जाएगी अगर आपको लाइट नजर आएगी, ठीक है,
तो आप अगर आपको आदत पड़ी फिर तो आप मुड़ जाओगे, मगर जिसे लाइट का ही नहीं पता उसे अचानक आंखों में लाइट पड़ती है, किसी भी इंसान के आंखों में लाइट पड़ती है तो उसके इधर इधर उधर का कुछ नहीं दिखता है। अगर आप रात की ड्राइविंग करते हो तो आपको अगर सामने से ट्रक आ रहा है तो आपको रोड का दृश्य दिखना बंद हो जाएगा। मेरी इस बात पर गौर करना, अगर आप ड्राइविंग करते हो कार की, मोटरसाइकिल वाले को नहीं कह रहा हूँ मैं, कार की, मोटरसाइकिल वालों पर भी फर्क पड़ता है, ठीक है ना। मोटरसाइकिल वाले भी अगर सामने से ट्रक कार आ रही है, आंखों में जब रोशनी पड़ती है एक साइड इधर उधर दिखना बंद हो जाता है, और कार में जो बैठा है अगर उसकी रोशनी सीधी स्ट्रीट जल रही है बिल्कुल सीधी वाली, तो उसको सामने का दिखना बंद हो जाता है, साफ नहीं देख पाता है वो। ऐसे ही कबूतरों के साथ होता है, वो आ तो रहा है जब आंखों में रोशनी पड़ रही तो वो एकदम साफ नहीं देख पा रहा है, और बैठने का जो मिजान बनाता है अपना, हिसाब बनाता है अपना कि मैंने बैठना है, वो सीधा निकल जाता है, ठीक है ना। हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, हमने कई कई जगह देखा कि यार बैठता बैठता कबूतर जा रहा है, तो हम उसको बता रहे भाई ये लाइटिंग नीचे कर ले, तो बंदा कहता है इमरान भाई थोड़ी देर एक मिनट आराम कर लो यार ये बैठ जाएगा। मैं कहा भाई लाइट ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, मान जा बैठ जाएगा ये, ठीक है, माना नहीं वो, बिल्कुल लाइट ऐसी थी। मैं कहा उसकी आंखों में चोंद पड़ी, अब भी मान जा ये यहीं घूम रहा बैठ जाएगा, हमारी नहीं सुनी थी उसने, हकीकत में नहीं सुनी थी। वहाँ कई सारे कबूतर बाज थे, उन्होंने भी कहा इमरान भाई सही कह रहे हैं ये लाइटें बिल्कुल ऐसे कर ले, कबूतर बैठ जाए, उसकी आंखों में रोशनी पड़ रही है, वो छत से लग लग के जा रहा है, छत से लग लग के जा रहा, माना नहीं। हार के कबूतर ने तकरीबन आधा से पौन घंटा कोशिश की, छत पे बैठता बैठता थोड़ा ऊंचा हो जाएगा टावर जितना, फिर आएगा फिर बैठने की कोशिश करेगा, आंखों में लाइटें पड़ने की वजह से ना वो यकीन मानना सात वाली छत पे बैठ गया, जाके सात वाली छत पे बैठ गया, खेल खत्म, ठीक है ना। तो मेरी इन बातों पर गौर करना, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, इन बातों पर ध्यान दो, आपका कबूतर कटेगा नहीं। लाइट पे फोकस करो कि लाइट कैसे पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है, खाली छत ना चमकाओ, छत चमक गई कबूतर छत पे आना चाहिए, वो कैसा आएगा, उन बातों पे गौर किया करो, ठीक है दोस्तों। कि क्या ज्ञान, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सीखो और सिखाओ, दुनिया में अपना नाम करो।